Hello friends, this is Team Super Simplified, and today we are here with the Prelims Daily quiz number 2, right? So let's see some of the solutions of previous year UPSC Prelims questions. So let's get started. So this is our question number 1 today, which is from UPSC Prelims 2011 paper. Question is, regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. Statement number 1 is, it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. Statement number 2, during this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. Which of the statements given above is or are correct? Options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, ya fir neither 1 nor 2. And the correct answer here is C, that is both 1 and 2. So, dono hi statement sahi hai. क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें वहाँ पे कुछ रिलीजियस एलिमेंट तो प्रेजेंट था लेकिन दैट वाज नॉट प्रीडोमिनेंट राइट सो वहाँ का मेन फैक्टर वो नहीं था और उस सीन को डोमिनेट नहीं करता था. स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर बात करें तो कॉटन वाज एक्चुअली नोन टू इंडिया लॉन्ग बैक राइट और इंडिया कॉटन में ट्रेड भी करता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी लोगों को कॉटन के बारे में पता था एंड दे यूज टू यूज कॉटन. बट कॉटन को वो यूज करते थे और उसको वीव करते थे उसका टेक्सटाइल बनाते थे वो कैसे पता चला हमें? बिकॉज कॉटन तो बायोडिग्रेडेबल है तो अगर खुदाई करेंगे तो कॉटन का फॉसिल मिलना बहुत मुश्किल है. तो कॉटन के फॉसिल के थ्रू ये नहीं पता चला है. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ ब्रिक और मड बर्नट मड तो ये मड के अंदर में ये कॉटन की एक इंप्रेशन है राइट. सो अगर एक फैब्रिक या कोई टेक्सटाइल अगर मड के साथ इस तरह कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके ऊपर ये पैटर्न आ जाएगा और इस पैटर्न को देखकर ही हमें पता चलता है कि कॉटन के टेक्सटाइल इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में यूज होते थे राइट. सो दिस इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. वॉट डज बोधायन थियरम बोधायन सुलभा सूत्र रिलेट टू? सो वॉट इज इट अबाउट? लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम राइट. सो पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं वो पाइथागोरस ने दिया था जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. बट उनके डिस्कवर करने से पहले इंडिया में बहुत पहले पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कवर हो चुका था और उसको बोला जाता है बोधायन सुलभा सूत्र या बोधायन थ्योरम राइट. और बोधायन ने वैल्यू ऑफ पाई भी कैलकुलेट की थी, पाई की वैल्यू जो कि 3.14 है 22/7, एंड ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्यूरेटली. सो इंडिया का जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी एडवांस था एंशियंट इंडिया के टाइम से ही. सो ये संस्कृत में यहाँ पे बोधायन सुलभा सूत्र आपको मिलेगा. और बेसिकली ये जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन वगैरह और जो थ्योरम थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए? एक्चुअली जो हवन वगैरह किए जाते थे उसमें जो हवन का जो कुंड बनता है, सो देर वर डिफरेंट डिजाइंस एंड देर वर डिफरेंट शेप्स इन विच इट वॉज कंस्ट्रक्टेड. सो उसकी कैलकुलेशन और उसको एक्यूरेटली कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस तरह के थ्योरम्स का ओरिजिनेशन हुआ था राइट. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. This is UPSC 2009 question. Anekantvad is a core theory and philosophy of which one of the following? Buddhism, Jainism, Sikhism or Vaishnavism? ये किससे related है अनेकांतवाद? And the correct answer here is B, that is Jainism. So Jainism में ये concept आता है अनेकांतवाद का. तो अनेकांतवाद है क्या actually? अनेकांतवाद नाम से ही समझ में आता है कि अनेक right? So इसमें ये बोला जाता है कि जो truth है जो reality है उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं. आप किस तरह से उसको देखते हैं उस हिसाब से आपका वर्जन डिफर कर सकता है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन राइट. सो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जो कि बचपन में सभी ने सुनी होगी कि देयर इज एन एलिफेंट एंड देयर आर सिक्स ब्लाइंड पीपल हु आर ट्राइंग टू टच द एलिफेंट एंड ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट राइट. सो अगर कोई ट्रंक को पकड़ेगा सो ही विल फील कि एलिफेंट इज लाइक अ ट्यूब. कोई अगर उसके स्टमक को पकड़ेगा तो किसी को लगेगा कि इट इज़ लाइक अ वॉल. अगर कोई उसके पैर को पकड़ता है तो एलिफेंट इज लाइक अ पिलर राइट. सो दैट इज हाउ दे डिस्क्राइब इट बट द रियलिटी is different from what they are describing right because they are not able to see the exact reality. So anekantvad ka concept yahi hai ki reality ke kai sare aspects hote hain. Okay, so let's go to question number 4. So this is question number 4 which is UPSC 2006 question. So between which of the following was the ancient town of Takshashila located? So Takshashila jo hai wo kaun si do nadiyon ke beech mein located tha? Indus and Jhelum, Jhelum and Chenab, Chenab and Rabi ya Rabi and Bias? And the correct answer here is A, Indus and Jhelum. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो this is Takshashila, right? और ये कौन सी दो नदियों के बीच में है? This is Indus River, जो सबसे ऊपर टॉप में आ रही है Indus, और उसके बाद में है Jhelum,
राइट। सो इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला लोकेटेड है, और झेलम के बाद में है चिनाब, उसके बाद में है राबी, फिर है ब्यास, और उसके बाद में है सतलुज, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, यूपीएससी 2006 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द इक्ष्वाकू रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटेगनिस्टिक टूवर्ड्स बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के दुश्मन थे। स्टेटमेंट नंबर 2, द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज 2 ओनली। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, बिकॉज इक्ष्वाकू रूलर्स जो थे सदर्न इंडिया के, वो बुद्धिज्म के खिलाफ नहीं थे। इनफैक्ट आप अगर आंध्र प्रदेश का मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे बुद्धिस्ट रेलिक साइट्स भी मिलेंगे। सो ये जो पॉइंटेड साइट्स हैं, ये सारे बुद्धिस्ट होली साइट्स हैं। और आपको आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कुंडा का स्तूपा भी मिलता है, राइट। सो बुद्धिज्म फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द इक्ष्वाकू रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। सो पाला रूलर्स जो थे ईस्टर्न इंडिया के, उन्होंने बुद्धिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया, उसको काफ़ी सपोर्ट किया, एंड पालाज डेवलप्ड द बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज यूपीएससी 2010 क्वेश्चन। देर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया। वन ऑफ दीज पेंटिंग्स इज ऑफ अजंता केव्स, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग लोकेटेड? बाघ केव्स, एलोरा केव्स, लोमस ऋषि केव, या फिर नासिक केव्स? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज बाघ केव्स, राइट। सो बाघ केव्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में बाघ केव्स लोकेटेड है, राइट। सो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं बेसिकली, और ये राइट साइड में आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये म्यूरल पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है, जो कि बाघ केव्स में मिली है, गुप्ता पीरियड की पेंटिंग है। और लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही है, ये फेमस अजंता केव की पेंटिंग है, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज यूपीएससी 2010 क्वेश्चन। व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स? स्टेटमेंट नंबर 1, बुद्धा वॉज बाई दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु एंड दस बिकेम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। स्टेटमेंट नंबर 2, इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम्स ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट्स। स्टेटमेंट नंबर 3, किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या फिर वन टू एंड थ्री? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज वन ओनली। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ओनली करेक्ट, राइट। सो स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है कि बुद्धा को विष्णु का 9th इनकारनेशन मानने से वो वैष्णविज्म का एक पार्ट बन गया, राइट। सो उससे बुद्धिज्म जो था वो एक अलग सेक्ट नहीं रह पाया, दैट इज़ वाई उसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में धीरे धीरे कम हो गई। सो विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। वेयर एज स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, बिकॉज सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब्स आते थे, इन्वेडिंग ट्राइब्स, उन्होंने बुद्धिस्ट का कोई ऐसा टारगेटेड या पिनपॉइंटेड परसिक्यूशन नहीं किया था, जिसकी वजह से बुद्धिज्म वीक हो जाता मिडिवल एजेस में, राइट। एंड द स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज गुप्ता डायनेस्टी वॉज नॉट अपोज टू बुद्धिज्म। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज भी नहीं किया, बट उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8, यूपीएससी 2011 क्वेश्चन। इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। फॉर दिस प्री एमिनेंस ऑफ अर्ली मैरिटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशंस? ए, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशियंट एंड मिडिवल टाइम्स। द रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया ऑलवेज पेट्रनाइज्ड ट्रेडर्स, ब्राह्मिन प्रीस्ट्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सी, मॉनसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयजेस। डी, बोथ ए एंड बी आर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज़ यूपीएससी 2014 क्वेश्चन, और ये आई थिंक 2017 में या 16 में एक बार फिर से पूछा गया है। सो दिस क्वेश्चन हैज़ अपीयर 2 times इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गांधार, कौशल या मगध? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1, 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4, या 1, 3 and 4? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज
सी दैट इज 3 एंड 4 ओनली, बिकॉज अवंती और गांधार तक बुद्धा ने ट्रेवल नहीं किया था. सो बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी फॉरेस्ट में हुआ था, जो कि प्रेजेंटली नेपाल में है, एंड इट वॉज अंडर कौशल किंगडम. सो कौशल ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3. एंड ही डाइड इन कुशीनगर. सो कुशीनगर जो था वो मगध किंगडम में था. सो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, कौशल एंड मगध आर करेक्ट. दैट इज वाई ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली इज करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लास्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 1, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाई फर्स्ट सेंचुरी AD. स्टेटमेंट नंबर 2, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd century AD. 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन इन द 5th century AD. 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वॉज नोन इन 7th century AD. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज 1, 3, and 4 ओनली. सो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, बिकॉज ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट की हम बात नहीं सुनते हैं एंशियंट हिस्ट्री में 3rd century AD तक, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह 1st century तक डेवलप हो चुके थे, बिकॉज सुश्रुत हु वॉज द फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया, ही परफॉर्म्ड प्लास्टिक सर्जरीज एंड ही वॉज देयर इन 800 BC. सो 1st century AD तक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफी डेवलप हो चुके थे. स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट बिकॉज साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन इन द 5th century AD, और जो साइन टेबल था वो 5th century AD में आर्यभट्ट ने खुद ही डेवलप किया था. एंड स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्सेप्ट है वो 7th century AD में ब्रह्मगुप्त ने निकाला था. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1, 3, and 4 ओनली. सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली वेन एवर वी अपलोड अ न्यू लेक्चर. एंड प्लीज शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. एंड प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. वील सी यू सून विद अनदर लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल.